गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं आपको आज केरल के एक धमाकेदार प्लेस पर लेके आया हूँ, जटायु अर्थ सेंटर। जटायु अर्थ सेंटर एक बहुत ही फेमस अर्थ सेंटर है। पहाड़ के ऊपर जटायु का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अपन देखेंगे उसको और इन्जॉय करेंगे, देखते हैं आगे कैसा है। तो चलें, ये जटायु अर्थ सेंटर का गाड़ी पार्किंग का है और यहाँ से आप इधर आओगे तो ये सामने आपको टिकट काउंटर दिख रहा है। ये जो भवेश भाई जा रहे हैं, ये टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर पर पर्सन 400 रुपया 500 रुपये टिकट है। और इसके बाद में आपको गाड़ी का जो पार्किंग का है वो करीबन 30 रुपया पार्किंग का ले रहे हैं। और सबसे बड़ी मेरे को यहाँ कमी ये लगी कि यहाँ पर आप 500 रुपया तो आपको रोपवे से चढ़ने का है और 300 रुपये टिकट जो है वो आप पैदल 850 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी कमी मेरे को इसमें ये लगी, मैं आपको अभी एक चीज़ बताऊँ, मुझे सबसे बड़ी कमी इसके अंदर ये लगी कि ये लोग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, ये सिर्फ कैश पेमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया, अभी आज के तारीख में हर इंसान के पास में ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है और ऑनलाइन पेमेंट की जब व्यवस्था होने के बाद में आदमी को कैश लेके घूमना पड़े तो वो थोड़ी दिक्कत है। तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ी कमी लगी। बाकी अभी टिकट लेने के लिए मेरा भाई गया हुआ है, मैं उससे मिलाऊँगा आपको और वो लेके आता है, इसके बाद फिर आगे का बात करते हैं अपन। यहाँ से इसकी एंट्री पॉइंट है, अभी हमसे सिर्फ 236 रुपये लिए हैं। अभी हमसे इसने 236 रुपये नीचे लिए हैं और रोपवे का पैसा अलग है। तो अभी हम जाएंगे सिक्योरिटी चेक करा के फिर रोपवे पे जाएंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। ये रोपवे एंट्री करने का गेट है, मतलब रोपवे जाने के लिए यहाँ से एंट्री करनी है। अभी हम सीधे अंदर घुस रहे हैं, बड़ा सा हॉल है और अब यहाँ पर रोपवे की टिकट हम कटवाएंगे। कितनी टिकट होती है, क्या होती है, देखो कितना मस्त स्क्रीन सब चल रहा है, वेटिंग है यहाँ पर, देखते हैं पूरा सेटअप क्या है। अभी हमने रोपवे का पैसा कटवा लिया है, रोपवे का पैसा हमको अभी पड़ा है 1050 रुपया, जो 1050 रुपये की उन्होंने रसीद काट के दिए। सिक्योरिटी चेक भी हो गया है, हम लोग लाइन सर यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग और थोड़ी देर में शायद हो सकता है रोपवे पे बैठने का समय भी आ जाएगा तो वो बुलाएंगे हमको। अभी हमको यहाँ पर इस एरिया में ऐसे बिठा रखा है जो आप देख सकते हो, तो पब्लिक पूरी लाइन में बैठी हुई है, हम भी बैठे हुए वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में रोपवे का जैसे समय आता है मैं आपको वहाँ पर जानकारी दूंगा थोड़ी बहुत, और तब तक के लिए वेट कीजिए। हमें आगे बुला लिया है, अब हम आगे जा रहे हैं और धीरे धीरे अब चढ़ेंगे रोपवे के अंदर। टोटल पर पर्सन जो टिकट का चार्जेस रोपवे के साथ में पड़ता है ना वो 500 के टोटल आसपास आता है। अभी 1050 रुपीज़ लिए, नीचे टोटल 994 रुपीज़ लिए, तो 994 रुपये तो नीचे लिए, 1050 यहाँ लिए। तो पर पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए, हमने हिसाब लगा के देखा तो अभी 500 रुपये पर पर्सन हिसाब बैठता है। अभी हमको वेटिंग एरिया में ला के बिठा दिया, ये देखो ये सब वेटिंग एरिया की कुर्सियाँ लगी हुई है और बिठा दिया है। अभी हम थोड़ी देर में रोपवे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जटायु अर्थ सेंटर के अंदर जो कॉफ़ी का और जो चाय का जो रेट है ना वो ये देखिए, जो कैपेचिनो की रेट है वो 50 रुपीज़ है और जो टी की रेट है वो 40 रुपीज़ है। फ्रेंच फ्रूट जूस है उसकी 90 रुपीज़ है, आइसक्रीम 80 रुपये और 100 रुपये की है, समोसा 50 रुपये का, मफिन 40 रुपये का, सैंडविच 100 रुपये का और वेज कटलेट 40 रुपये का। तो ये थोड़ा कॉस्टली है। फाइनली बुला लिया है, हम जा रहे हैं अंदर रोपवे में बैठने के लिए, देखते हैं आगे और जाके। मम्मी भी आगे जा रहे हैं, अच्छी वो जा रहा है, नॉर्मल भाई ये हैं, हम आगे निकल के देखते हैं अब कैसे इसके अंदर कैसे एंट्री करनी है, क्या करनी है। यहाँ से इसकी मेन एंट्री है और कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप चढ़ने पड़ेंगे सबसे पहले।
बाद रोप वे आएगा। अब मैं आपको सीधा रोप वे पे लेके चलता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जरा भी भीड़ नहीं है, मतलब भीड़ है और उस हिसाब से नहीं है जितना मैं सोच रहा था। संडे के दिन तो अनलिमिटेड भीड़ होनी चाहिए थी, पर उस भीड़ के हिसाब से भीड़ तो है ही नहीं इसके अंदर। ये आ गए रोप वे वाली जगह पे, क्यू पे लगाया हुआ है और देखो ऊपर रोप वे के लिए सारी जगह घूम रही है। अब हम भी क्यू में खड़े रहते हैं यहाँ पर। ये रोप वे अब धीरे धीरे लोगों को अंदर बिठा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं सीधा ऊपर की तरफ। ये देखिए केबल कार वहाँ से ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रही है और उसमें से लोगों को बिठा कर वापस भेज दिया जाएगा, फिर दूसरी साइड से फिर केबल कार उतर के नीचे आएगी। ये देखिए अब ये टीम सहित बिठाते हैं, जैसे अभी एक टीम में चार जने हैं तो सिर्फ चार को बिठाएंगे, दो जने हैं तो सिर्फ दो को बिठाएंगे, ताकि किसी अनजान के बीच में जाके बैठने की ज़रूरत न पड़े। इसके गेट भी ऑटोमेटिक हैं, वो बंद हो चुके हैं और ये अभी देखो ये चढ़ रहा है और अभी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी बहुत, मतलब ये जैसे ये यहाँ निकला देखो अब इसकी स्पीड बढ़ गई। ये देखिए बड़े फास्ट ये चढ़ जाता है एकदम ऊपर। ये देखिए कितना फास्ट चल रहा है ये ऊपर। ये दूसरी तरफ से दूसरा केबल कार का आगे है, ये बॉक्स आगे है वहाँ से नीचे। तो हम उतरते टाइम तो सोच रहे हैं बाय स्टेप ही नीचे आएंगे और चढ़ते टाइम हम इससे जा रहे हैं ताकि दोनों एक्सपीरियंस हो सके। ये देखिए सामने से दूसरी केबल कार आ गई है, ये यहाँ पर घूम रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा किस स्पीड में घूम रहा है ये। और वो नीचे आता ही अभी हम चार जने अंदर बैठेंगे, फिर मैं आगे की जर्नी आपको दिखाऊँगा। ये देखिए केबल कार नीचे आ गई है, चार जन केबल कार है। अब इसके अंदर टीम वाइज इसके अंदर घुसाएंगे, जैसे हम चार जने तो एक डिब्बे के अंदर चार ही घुसाएंगे। अब इसके अंदर बैठते हैं, इसका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं एक बार, स्पीड से चलती है तो एक बार एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा इसका भी। और सारे गेट वो खुल रहे हैं पर बंद ये ऑटोमेटिक होता है, शायद देख लेते हैं एक बार और, मैं इसका इसका गेट का कंफर्म नहीं हूँ। जो भी होगा अभी एक बार बैठेंगे अंदर तो पता चलेगा। ये तो हम आ गए भाई, बैठ गए, हम बैठ गए और अच्छे भी आके बैठ गया, सब बैठ गए, धीरे धीरे चल रहे हैं। ये गेट शायद मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक ही बंद होते हैं। ओमी भैया और अच्छू दोनों बैठ गए हैं, हम बैठ गए, ये गेट खोला, अभी मजा आएगा थोड़ा सा। अब सबसे बड़ी बात ये है पेट में अच्छू और दोनों का एक्सप्रेशन देखना, ये चढ़ने में कैसा खतरनाक लगता है। अभी हम बैठ तो गए हैं तीन जने, थोड़ी देर में ये स्पीड पकड़ेगा तो मैं आपको फ्रंट का सीन दिखाऊं, फ्रंट का सीन ही दिखाऊं, हमारा थोपड़ा दिखाऊं। ये बढ़ गई स्पीड इसकी और पूरी गाज की भाई स्पीड बढ़ गई ये ऊंचा। ये देखो आप इसके नीचे यहाँ से देख भी सकते हो पूरे मेरे पीछे, देखो आप सेटअप ये मैं आपको ऊपर की और यहाँ से देखो ये पूरा पत्थर की स्पीड, यहाँ पे स्टेप भी है, पता नहीं ये स्टेप किस हिसाब से बना रखे हैं, वो तो नहीं ध्यान आपको, स्टेप वॉकिंग स्टेप है, ये वॉकिंग स्टेप भी है और केबल कार चढ़ने के लिए अलग से है, थोड़ी स्पीड बढ़ गई है और ये व्हाइट कलर की केबल कार फिर ये उतर रही है सामने से। यहाँ पर अलग अलग कलर में दो चार केबल कार है, वो अच्छी ऊंचाई पे है अभी हम, ये देख सकते हो आपको पीछे पूरा दिख रहा होगा, बहुत जबरदस्त ऊंचाई पे है अभी हम लोग। और यहाँ पर पहुँचने में अभी कुछ ही देर में हम उस स्पॉट पे पहुंच जाएंगे जिस स्पॉट पे हमको उतरना है। ये है पूरा पत्थरों पे बना हुआ, देखिए बहुत सारे पत्थर है और ये पूरे पत्थर मतलब ब्लैक कलर के हैं। अब ये यहाँ पर इसने क्यों स्लो कर दी वो मुझे पता नहीं चला, थोड़ा सा भाई साहब रोकना मत, थोड़ा आगे जाने दो, थोड़ा सुकून। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं और पथिलो मत, सीधे ऐसे बैठो, नहीं नहीं मैं उसको अभी आप ये देखिए सामने ये जटायु आपको दिख रहा होगा, हमें इंतजार था वो हमें दिख चुका है, वो जटायु आपको दिख रहा होगा जो और
स्ट्रक्चर है बनाया हुआ से इसको इस व्लॉगिंग को कर रहा हूं। दिख रहा होगा ये साइड में हेलीपैड है, अगर कोई हेलीकॉप्टर से आना चाहता है तो वो हेलीपैड के थ्रू यहां पर उतर सकता है। ये एक बेहतरीन जगह है, एच आपको दिख रहा होगा बनाया हुआ, ये हेलीपैड यहाँ पर बनाया हुआ है। और पता नहीं है भाई ने मेरे ने इसने रोक क्यों दिया ये समझ में नहीं आया मेरे को। और ये झूल भी तब बुरी शान से रहा है कि डर लग रही है। डर लग रही है थोड़ी सी, देखते हैं क्या होता है। इसने रोका क्यों समझ में नहीं आया, लाइट चली गई है कि क्या हुआ है। धीरे धीरे ये चल रहा है हल्का हल्का, मतलब क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। वो चार गई है क्या वो चार अटका दिए इसने, वहाँ नीचे चार है, वो चार में धीरे धीरे बिठाएगा, उसके बाद में स्पीड करेगा। धीरे जा रही है स्पीड, धीरे धीरे, क्योंकि वो शायद नीचे किसी को बिठा रहा होगा। ये केबल कार अब नीचे जाएगी तो वो व्हाइट वालों को यहाँ पे लाके लटका देगा वापस, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे अभी जब बैठेंगे उसके बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। और ये देखो आप, ये स्टोन्स कितने ब्लैक कलर के, बिल्कुल ब्लैक स्टोन्स हैं ये, और थोड़ा मतलब गहरा भी है ये। यहाँ से अगर कोई गया तो फिर पूरा गया ही समझो। और एक्चुअली मैं और अच्छू तो हेलीकॉप्टर से ही आने वाले थे। सबसे बड़ी बात मुझे इसके अंदर ये लगी कि इसके अंदर पंखा वंखा नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है, तो एयर पासिंग के लिए इनको कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। कार भी तो ये देखिए, अब पीछे आपको क्लियरली हेलीपैड दिख रहा होगा, बिल्कुल कंप्लीट हेलीपैड आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी आया जाया जा सकता है। पर वो सर्विस अभी चालू है या नहीं है इसका कोई पता नहीं, पहले तो शायद मेरे ख्याल से ये सर्विस चालू थी यहाँ पर, अभी का पता नहीं। और देखो धीरे धीरे जटायु आपके सामने धीरे धीरे पास में आ रहा हूँ, उतरते टाइम हम पैदल पैदल ही उतरेंगे, भावेश भाई केबल कार से नीचे उतर जाएंगे और हम लोग पैदल पैदल नीचे आएंगे, उसका भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है ना, तो दोनों देखेंगे एक साथ। ये केबल कार ने स्पीड पकड़ ली वापस, स्पीड पकड़ ली है, हम वापस ये जा रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रक्चर के पास में, और पहुंचते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। हमको उस जगह पहुंचना, वो येलो वाली वो वाइट वाली वापस वहां जाके रुकेगी, ये हमको वापस यहाँ अटका देगा। तो देखिए ये येलो वाली भी आ रही है यहाँ से केबल का, जो ऊपर से उतर रही है धीरे धीरे नीचे, और आप देख सकते हो बहुत देर कितना जबरदस्त है। ये देखिए ये केबल कार हमारे ऊपर से निकली, और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। ये वापस हमको लाके यहाँ लटका दिया इसने, जब तक वो बिठाएगा नहीं तब तक हिलाएगा नहीं, और गर्मी इतनी लग रही है, हालत खराब हो रही है। भावेश भाई गर्मी लग रही है, ठंडा मंगाओ भावेश भाई ठंडा मंगाओ। जब हम चढ़ रहे हैं ना तो यहाँ के नजारे कुछ ऐसे हैं, जैसे चट्टान है, ये बिल्कुल स्मूथली चट्टान है, और पत्थर जो है बिल्कुल ब्लैक है, और उस पत्थरों पे ये जो केबल कार के जो पॉइंट्स लगाए गए हैं ना, स्टेब्लिश करने के लिए, ये पोल को स्टेब्लिश करने के लिए, स्टेबलाइजेशन देने के लिए ये फाउंडेशन बनाए गए हैं। ये फाउंडेशन इसलिए है कि ताकि उसको मजबूती प्रदान करें, और इसके साथ ही ये सीढ़ियाँ, हम फिर से रुक गए हैं क्योंकि ये आई थिंक रुक रुक के इसलिए चढ़ रहे हैं हम लोग कि चार केबल कार चल रही हैं, एक आ रही है एक जा रही है, तो एक मेंटेन करने के लिए, एक साथ इसलिए नहीं चढ़ेंगे कि मेंटेन करने के लिए, केबल कार है तो दिक्कतें नहीं हों। फाइनली केबल कार से हम उतर चुके हैं और ये चढ़े हम स्टेप की तरफ, और आपको अब मैं दिखाता हूँ कुछ अजूबा जो इंडिया के अंदर बहुत बहुत सुंदर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जटायु का। ये देखिए आप कितना सुंदर है यार, कितना गजब का स्ट्रक्चर बना रखा है ये देखिए जटायु अर्थ सेंटर। ये देखिए वहाँ नीचे है इसका जो यह केबल कार का पूरा स्टेशन, तो वहाँ से लोगों को बिठा के
एक केबल कार ये, एक केबल कार वो, एक केबल कार वो, और एक और नीचे है येलो कलर की, मतलब चार कलर में केबल कार हैं यहाँ पर। जस्ट यहाँ नीचे वहाँ पर उस जगह पर हेलीपैड बनाया हुआ है, और ये एक बेहतरीन कलाकृति जिसे हम जटायु के नाम से जानते हैं। वास्तविकता में जब श्री राम जी जब सीता जी को रावण हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण से युद्ध किया था और रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे, तो जटायु इसी जगह पर गिरे थे, और इसलिए ये जगह एक अलग ही वैल्यू रखती है। साथ में यहाँ पर ऊपर स्टॉल्स भी हैं, टी स्टॉल है, और इसके अंदर भी कुछ बना रखा है, शायद अभी वो मेरे ख्याल से बंद कर रखा है, तो वो अभी हम जाके पास में मैं आपको जाके दिखाऊंगा। बेहतरीन एक कलाकृति का नमूना है ये, इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर, इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर। अभी यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था पर वो रुक गया है। इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर ये स्ट्रक्चर इन्होंने कैसे बनाया होगा, मैं वो सोच रहा हूँ कि आप इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ही कमाल का एक अनुभव है। मतलब इतना शानदार, आप देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये जटायु का पार्क। ये जो सामने इसके अंदर ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो ये सामने है, ये क्या है, म्यूज़ियम है। इसके अंदर म्यूज़ियम है, पर चक्कर ये है अभी इस म्यूज़ियम का वर्क प्रोसेस में चल रहा है, मतलब अंदर कुछ काम चल रहा है, इसकी वजह से अभी इसको बंद कर रखा है। पर अगर ये खुला होता तो हमारी किस्मत होती, हम वो अंदर जाके देख सकें, पर वो नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए एक हमेशा दिल में एक वो रहेगा, पर नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आने का मौका मिलेगा तो इसके अंदर ज़रूर एक बार म्यूज़ियम चेक करेंगे। अब मैं आपको इसके चारों तरफ का राउंड कराता हूँ कि ये चारों तरफ से कैसा लगता है। ये देखिए, जटायु के बारे में पूरा आपको डिटेल में हिंदी में, इंग्लिश में और मलयालम में यहाँ पर है। आप वीडियो को पुश कीजिएगा, पुश करके आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसकी पूरा जानकारी इसके अंदर दी गई है। और केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, उनको यहाँ पर स्पेशली थैंक्स बोला गया है। और ये आप देखिए, यहाँ पर पूरी डिटेल के कैसे उसके पंख कटते हैं, कैसे वो यहाँ पर गिरते हैं, और कैसे वो अंतिम जो जो अपनी यात्रा होती है वो यहीं आकर करते हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का, ये पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। स्ट्रक्चर सिर्फ बाहर से ऐसा नहीं है, ये देख लो आप, ये मैं बता देता हूँ, ये बाहर से ऐसा नहीं है, आप यहाँ से भी देखो, ये यहाँ से अंदर इस तरीके से भी बना रखा है, मतलब बहुत सोच समझ के और तरीके से बनाया है इसको। ये देखो यहाँ पर म्यूज़ियम के लिए एक छोटा सा इन्होंने ये रास्ता बना रखा है, यहाँ पर एसी भी लगी हुई है, अंदर म्यूज़ियम चिल्ड होगा एकदम। तो ये है, अब मैं आपको इसके चारों तरफ का राउंड कटवाता हूँ कि ये कैसा लगता है। टूरिस्ट अभी धीरे 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 टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ पर, और पब्लिक फ़ोटो भी खिंचवा रही है, बहुत बाहर से आ रहे हैं, कई लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कई लोग मैंने अभी महाराष्ट्र के लोग भी देखे, गुजरात के भी देखे, उसके बाद में तमिलनाडु से भी आ रहे हैं, कर्नाटका से भी आ रहे हैं। तो मैं आपको स्पीड में दिखाता हूँ कि ये चारों तरफ से कैसा लगता है ना। ये देखो इसके बैक साइड में किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये देखिए बेहतरीन स्ट्रक्चर का एक नमूना है ये। इस कलाकारी के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ उन कलाकारों को जिन्होंने इसको बनाने के लिए पूरी मशक्क़त की है। भाई बहुत ही अलग लेवल का है ये, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर पांव के ऊपर जो नाखून है ना, वो नाखून भी ऐसे बनाए हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो ओरिजिनल है। बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा क्लासिक, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा क्लासिक, इतना क्लासिक कि बस, इतना क्लासिक कि बस इसको देखते ही बनता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखिए
देखिए इस साइड से कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर तीन जालियाँ भी हैं इसके नीचे, ये म्यूजियम की जालियाँ हैं। और आप देखो इसके पंख जो बनाए हैं, और जो इसके पाँव पाँव के ऊपर जो नाखून हैं, ये सब चीज़ें कितनी बारीकी से इन्होंने बनाने की कोशिश की है। ये देखिए ये पंख देखिए आप, कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन कारीगरी का नमूना। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, कृपया करके शिल्प के ऊपर ना बैठें। लोग बैठ जाते होंगे इसके ऊपर, इसी वजह से यहाँ पर लिख रखा है कि इसके ऊपर ना बैठें ताकि कुछ नुकसान ना हो। ये देखिए ये नीचे से बिल्कुल खाली और बहुत शानदार तरीके से बना है वो, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम श्री राम मंदिर जो कि जटायु के जस्ट सामने श्री राम का मंदिर बनाया हुआ है, तो श्री राम जी के दर्शन करना तो बनता है। इतना सुंदर बनाया हुआ है, ये पत्थर से बनाया हुआ है, और मतलब इसकी कलाकारी देखिए आप, जगह जगह इसके जो बारीकी से इसके अंदर काम किया गया है। और यहाँ पर महागणपति की मूर्ति, और वहाँ पर दक्षिणा, यहाँ पर दक्षिणा मूर्ति की मूर्ति है, और यहाँ पर सब जगह इन्होंने मूर्तियाँ बना रखी है। यहाँ पर स्वामी सत्येंद्र सरस्वती जी की मूर्ति, यहाँ ब्रह्मचारी नीलकंड गुरु पधार करके कोई हैं, मतलब हमारे गुरु हैं उनका है नाम कुछ इस तरीके के, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग पुश करके वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ वीरा जटायु, जो जटायु जी थे उनका ये स्ट्रक्चर है। ये सूर्य देव मतलब उनका है। और अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप ध्यान से देखना श्री राम के पाँव के निशान। ये देखिए यहाँ पर जैसे अगर अपन आए तो ये देखिए यहाँ पर दिया लगा हुआ है, और मैं अभी आपको पाँव के निशान दिखाता हूँ। ये देखिए पाँव के निशान, ये देखिए श्री राम के पाँव के निशान। अगर आपको दिख रहा होगा तो ग्लास के ऊपर भी डिज़ाइन बना रखा है, और बताने की कोशिश की है कि श्री राम के पादुका कैसे थे, चरण पादुका कैसी थी। ये देखिए ये यहाँ से श्री राम की जो चरण पादुका है वो यहाँ पर, जब जटायु घायल होकर नीचे गिरे थे तब जटायु को श्री राम जी सीता माता को ढूंढते इस पहाड़ी तक पहुँचे थे। और पहाड़ी तक पहुँचने के बाद श्री राम को जटायु मिले थे, और उन्होंने बताया था कि रावण पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर गए, तब के ये चरण पादुका यहाँ पर मतलब हैं, और लोग बाकायदा यहाँ पर दर्शन करते हैं। इसकी डिटेल जो भी जानकारी है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको पुश कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, ये जो दीप लगा रखा है ये अमर दीप है और परमानेंट जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है, तो ये भी एक अद्भुत है। और यहाँ पर देखिए जटायु को जो मोक्ष प्राप्ति हुई थी श्री राम के हाथों से, वो यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। जटायु स्ट्रक्चर के जस्ट सामने यहाँ पर एक छोटा सा स्टेडियम बनाया हुआ है, जहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स और कई बार मतलब जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। और जस्ट नीचे पूरी सिटी आपको दिखेगी, पूरा केरला, ग्रीन से ग्रीन केरला आपको पूरा दिखेगा, कहीं पर भी सूखा नहीं दिखेगा आपको। बेहतरीन एक
वीडियो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ यार। मैं आपको वीडियो बहुत देने की कोशिश करता हूँ अच्छे अच्छे, कई चीज़ों में ज़्यादा बोल नहीं पाता, मैं आपको अच्छी सीन देने की कोशिश करता हूँ। तो यार प्लीज़ वीडियो को यार थोड़ा सपोर्ट तो करो यार, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। ये देखो तगड़ा, ये स्टैचू और ये है यहाँ का स्टेडियम छोटा सा। अब मैं स्टेडियम से नीचे की तरफ दिखाता हूँ कैसा लगता है, एकदम ज़बरदस्त होगा ये। ये देखिए लोग कितने डेढ़ होशियार हैं कि जब यहाँ पर क्लियरली वहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर के ऊपर मत बैठ के फोटो खिंचाओ, फिर भी वो लेडीज वहाँ स्ट्रक्चर के ऊपर बैठ के फोटो खिंचवा रही है। मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि लिखा हुआ भी है आपको, मतलब किसी चीज़ को बस आपको आपके फैशन आपके फ़ोटो की वजह से ही बस आप सब बर्बाद कर दो, दुनियादारी ख़त्म कहानी। और यहाँ पर देखिए पूरा पूरी सिटी है, देखो ये पूरी सिटी है, पर पेड़ पौधों की वजह से सिटी दिख नहीं रही है, बाकी इतनी हरियाली है कि यहाँ पर आपको मकान छोटा 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 दिखेगा। इतनी बड़ी सिटी है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, पर कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पूरा हरा भरा ही दिखेगा, आपको मकान बहुत कम देंगे। रीज़न ये है कि जितने भी मकान हैं ये सब इस पौधों के, ये पेड़ों के बीच में है, तो उसकी वजह से थोड़ा कम दिखेगा ये। एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर ये देखिए 6D थिएटर भी है, यहाँ पर एक थिएटर भी है जो कि 6D में है, और इस थिएटर का वर्क प्रोग्रेस में चल रहा है, इस वजह से अभी ये बंद है। मतलब इस स्ट्रक्चर के नीचे 6D थिएटर भी है, इस स्ट्रक्चर के नीचे 6D थिएटर भी है, म्यूजियम भी है, सब कुछ बना रखा है। तो कितना बेहतरीन तरीके से आप सोचिए बनाया होगा। मैं ये सोच रहा हूँ इस पहाड़ के ऊपर इसको कैसे बनाया होगा, मतलब ये पत्थर कैसे इसको इन्होंने किया होगा काम, क्योंकि आप देखिए कितनी बारीकी से काम है, इसके नीचे सब गैप है और वो गैप को मतलब इस तरीके से इन्होंने सेट करके बनाया। तो ये बहुत ही अच्छा एक, बहुत ही अच्छा एक काम है। दिक्कत होती है भाई साहब, हंसो मत, मैं तुम्हारे बिल्कुल फ्रंट साइड में हूँ, यूं उतर रहा है, यूं। भावेश भाई क्या हो गया, बोलते बंद हो गए, चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा लगाओ, उतरते हुए तो चश्मा लगाओ सर। ताड़ी पुरुष है ये। क्या है? ताड़ी पुरुष। हमारे साथ आपके अभी आनंद आ गया ना। ताड़ी ये इतना नीचे ऊपर क्यों हो रहा है ये अपने भी हो रहा है, अपने भी हो रहा है, अपना हो रहा है, उसका हो रहा है, अरे अपना भी हो रहा है वो थोड़ी। तुम तो येलो टी शर्ट, येलो ये वाला डब्बा चैंपियन, जो आप कूद करके चैंपियन। गलत बैठ गया, तुम वापस जाओ, पता दो ये वापस मुड़ा, वापस वो मुझे वहां जाना था, येलो पहना। फाइनली हम लोग तो उतर गए भाई नीचे, और सब नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, और नीचे जाके अब हमको निकलना है आलपी के लिए। वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद। अच्छू के साथ हम लोग आए थे और हम लोगों ने
जितनी कोशिश करनी थी इतना बेहतरीन शॉट देने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जटायु पार्क से मैं सबको अलविदा बोलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।